एलिमेंट्स की बात करते हैं हम। अच्छा, ये थे ग्रुप 13 के, अब हम आ जाते हैं ग्रुप 14 की तरफ, जो हम इसमें स्किप कर देते हैं। अगेन हम जाते हैं ग्रुप 15 की तरफ। ग्रुप 15 में जो है सिंपल हमने याद करने हैं वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं इसमें, है नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है ये 7 है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट नीड्स ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस ग्रुप पर जो चार्ज है ये -3 है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। वाई? इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन। सिमिलर फॉर द फास्फोरस, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन हो गया या फास्फोरस हो गया ग्रुप 15 से हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। ग्रुप 16 की तरफ आ जाते हैं हम। ग्रुप 16 में हम अगेन इधर भी हम दो एलिमेंट्स ही कंसीडर करते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? इसमें है जी ऑक्सीजन और सल्फर। अब इस ग्रुप पर चार्ज कौन सा होगा? अगेन आपको एटॉमिक नंबर अगर याद हो ऑक्सीजन का, ये 8 था, 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इस वजह से इस ग्रुप पर चार्ज क्या है? -2 है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया। इसी तरह हम आ जाते हैं ग्रुप 17 की तरफ। ग्रुप 17 में जी जो एलिमेंट्स हैं ये हम इनको कहते हैं हैलोजन फैमिली, और ये कौन कौन से हैं? इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, सबके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से इस पर चार्ज क्या है? -1 है। ये थे इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो डिफरेंट ग्रुप्स के होंगे। अब हम अलग से कुछ इसमें जो पिक्यूलियर केसेस हैं, मतलब सबसे डिफरेंट जो केसेस हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो है ये हमें बताता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हमने पहले यहां पर बात की कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से है। लेकिन यहां पर अब हम थोड़ी सी इसमें आपको पिक्यूलियर बात भी बता रहे हैं, पिक्यूलियर केस भी इसका बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड्स इज +1, बट इन मेटल हाइड्रॉइड्स। मेटल हाइड्रॉइड्स क्या हैं? जिसमें हाइड्रोजन ने मेटल के साथ कंबाइन किया हो, उन्हें हम मेटल हाइड्रॉइड्स कहते हैं, इज -1। वहां पर ये इस पर -1 चार्ज होगा। वाई? बिकॉज ये वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज द रीजन। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन था। फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं हम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? तो अगेन हम अभी बात कर चुके हैं ऑक्सीजन ग्रुप 16 से, तो इस पर -2 चार्ज था, ठीक है जी। लेकिन इसमें भी पिक्यूलियर केस है, किस तरह के? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, बट इन परऑक्साइड्स। अब ये परऑक्साइड्स कौन से हैं? जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं H2O2, ये परऑक्साइड है। तो यहां पर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज +1, वहां पर ये +1 हो जाता है। वाई? ऐसी क्या रीजन हो गई? तो इसकी रीजन सिंपल सी ये है कि इसमें बुनियादी तौर पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग क्या होती है कि हाइड्रोजन जो है, सॉरी इसको बल्कि कर दें, ये -1 है, -1 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ इस तरीके से लूजिंग की तरफ आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूजिंग की तरफ। ये इसमें अलग से केस हो गया ऑक्सीजन का। अच्छा, बल्कि इसको भी हम +1 ही कर लें कि किस तरह होता है, ये थोड़ा सा हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। बट इन OF2,
OF2 में क्या होगा, ये एक और कंपाउंड है, इट इज +2। यहां पर +2 होता है, ऐसी क्या रीजन है, ये हम 6 पॉइंट में इसको डिस्कस करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर प्लस में कैसे चला गया। यहां पर +1 था, +2 हो गया, -1 का केस इसका था सेपरेट, वो सुपर ऑक्साइड है, जो मैं इसमें पर ऑक्साइड में उसको मिस्टेकनली बता रहा था। तो पॉइंट नंबर 6 की तरफ हम आते हैं, पॉइंट नंबर 6 में इसी चीज को क्लियर करते हैं कि ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन का जो एटॉमिक इसमें कह रहे हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं, +2 कह रहे हैं, तो क्या रीजन है। तो 6 पॉइंट में है ये, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो याद रखें बच्चों, जो भी हम बात करते हैं कंपाउंड होगा तो उसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एटम होते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ही होगा। अब कैसे, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि जैसे यहां पर ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप बच्चों को याद हो कि ऑक्सीजन इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी ये 3.4 थी या 3.5 हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, और जो नाइट्रोजन था या फ्लोरीन हम इसकी बात कर लें, नाइट्रोजन की तो इससे कम है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 थी, दोनों में डिफरेंस है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 इसी वजह से चले गए। 6 पॉइंट इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, इसी तरह हम 7th पॉइंट में बात करते हैं कि क्या होता है, 7th पॉइंट में एल्जेब्रिक सम की बात की जाती है। किस में एल्जेब्रिक सम, ये एल्जेब्रिक सम जो हम बात कर रहे हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। इन आयोनिक कंपाउंड्स एल्जेब्रिक सम एल्जेब्रिक सम क्या है कि जितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होंगे। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, कंपाउंड है हमारे पास CuSO4। अब इसमें क्या है, जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सल्फेट इस पूरे का -2 है। अब दोनों को जब हम सम करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ये है आयोनिक कंपाउंड में एल्जेब्रिक सम जो है 0 हो जाएगा। और इसी तरह 8th पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट इसका, ये है न्यूट्रल कंपाउंड्स के हवाले से, न्यूट्रल कंपाउंड्स में क्या बात होती है कि इसमें हम बात करते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एटम्स विल बी सेम एज चार्ज ऑन इट, जो उन पर चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा, ये चार्ज होगा ऑक्सीडेशन नंबर का होगा। अब कैसे, न्यूट्रल कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करते हैं जी, ये कंपाउंड है हमारे पास NaCl। अब NaCl में क्या बात करते हैं कि सोडियम हमें पहले ही पता है कि फर्स्ट ग्रुप से है तो +1 चार्ज है, और इसी तरह क्लोरीन ये 17 ग्रुप से है तो -1 चार्ज है। तो ये है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से मुख्तलिफ जो पॉइंट्स थे, रूल से हमने उनको डिफाइन किया है। अब देखें, हमने स्टार्ट किया था कि रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें हमने पहला बात की थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जिसको हमने डिटेल में बात की। उसके बाद हमने रूल्स की बात की कि रूल्स क्या हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक है जी। फिर हमने रूल्स को 1 by 1 डिस्कस किया है। अब जो लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखें बच्चों, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें बच्चों, जब भी हम वैलेंसी लिखते हैं तो उसमें चार्ज जो होता है वो हम पहले लिख बाद में लिख रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज पहले लिख रहे होते हैं। इसको अगेन समझ लें कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं चार्ज पहले लिखते हैं, ठीक है जी, और नंबर बाद में लिखते हैं। वैलेंसी में नंबर पहले लिखते हैं, चार्ज बाद में लिखते हैं। कैसे,
एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ ओ टू माइनस, इसका मतलब है मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी बता रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ ओ माइनस टू, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आप बच्चों को ये सारी बात समझ आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, इसको आपने डिटेल में याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, सिमिलरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है ये भी शॉर्ट में आती है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक में बात करेंगे कि इसके डिफरेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू।